हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल नौकाड़ क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे दैनिक पाठ योजना 4 के बारे में। तो यहाँ पर हम दैनिक पाठ योजना 4 में हम गणित विषय से और हमारा प्रकरण रहेगा त्रिभुज तथा उसके प्रकार, त्रिभुज तथा उसके प्रकार। तो ये रहेगा हमारा प्रकरण और यहाँ पर विद्यालय, रोल नंबर, कक्षा, समयावधि, विषय, कलांश, प्रकरण, दिनांक, ये सब लिखना होता है। और यहाँ पर फिर हम इसके आगे यहाँ पर उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं। तो यहाँ पर नंबर एक पर आता है ज्ञान, नंबर एक आता है ज्ञान। और ज्ञान में हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्र त्रिभुज तथा उसके प्रकारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज तथा उसके प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर दो आता है अवबोध, अवबोध में हम लिखेंगे छात्र त्रिभुज तथा उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। नंबर दो, छात्र त्रिभुज के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। नंबर तीन आता है ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग में हम लिखेंगे छात्र त्रिभुज तथा उसके प्रकारों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज तथा उसके प्रकारों से संबंधित अपने ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। नंबर चार पर आता है कौशल, छात्र त्रिभुज का चित्र बना सकेंगे, छात्र त्रिभुज के प्रकारों की सारणी बना सकेंगे। नंबर पाँच अभिरुचि, अभिरुचि में लिखेंगे छात्र त्रिभुज के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। नंबर दो, छात्र त्रिभुज तथा उसके प्रकारों के बारे में स्वेच्छा से अध्ययन कर सकेंगे। नंबर छः आता है अभिवर्धि, छात्र त्रिभुज तथा उसके प्रकारों के बारे में समीक्षात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। इसमें यहाँ आप एक और लिख सकते हैं, जो या आप एक लिखें या दो लिखें, वो दो लाइनें लिखनी होती हैं आपको। यहाँ पर आता है सहायक सामग्री, सामान्य और विशिष्ट अलग अलग भी लिख सकते हैं और दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं। श्यामपट, चौक, डस्टर, लपेट फलक, पुस्तक। विशिष्ट में लिखेंगे त्रिभुज के प्रकारों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। आगे आता है हमारा पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न में एक होता है छात्राध्यापक क्रिया, जो कि छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक होता है छात्र क्रिया, जिसमें कि छात्र जवाब देते हैं। नंबर एक क्वेश्चन होगा चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्भुज सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकारों के नाम बताइए, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। वर्ग को विकर्ण के रूप में काटने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, तो त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती है। त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हो, समझात्मक प्रश्न हो जाएगा या निरुत्तर, तो यहाँ पर उद्देश्य कथन हो जाएगा। अच्छा छात्रों, आज हम त्रिभुज तथा उसके प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में हम चार बिंदु लेते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट सार। तो नंबर एक शिक्षण बिंदु आता है त्रिभुज, त्रिभुज में हम लिखेंगे सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, रेखाखंडों से मिलकर क्या बनता है, तो छात्र जवाब देंगे आकृति। नंबर दो क्वेश्चन होगा तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, तो हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में विस्तार से बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा निरुत्तर। छात्राध्यापक कथन, यहाँ पर छात्राध्यापक कथन होगा तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज में तीन कोण उपस्थित होते हैं तथा त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर या बड़ा होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर छात्र कथन में आ जाएगा, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे वह मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर श्यामपट सार में हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ पर हम चित्र भी बना सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर आता है बोध प्रश्न आगे, इसी में से हमें ऊपर वाले में छात्र अध्यापक कथन में से बोध प्रश्न पूछने होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो तीन भुजाएं होती हैं। यदि त्रिभुज का कोण कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री हो, तो कोण सी का मान क्या होगा, कोण सी का मान 50 डिग्री होगा। अब आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, इसमें हमने तीन शिक्षण बिंदु लिए हैं। यहाँ पर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं विकासात्मक प्रश्न, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के नाम बताइए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए, निरुत्तर या संख्यात्मक प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर। आगे आता है हमारे पास छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक कथन में हम समकोण त्रिभुज,
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यूनकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज के चित्र दिए गए हैं। और यहाँ पर श्याम पट चार में भी हमें ब्लैक चार्ट चिपकाकर यहाँ पर हमें तीनों चित्र बनाए हुए हैं। इसी प्रकार हमें तैयार करनी होती है फाइल। तो आगे आते हैं हमारे बोध प्रश्न। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। यहाँ पर हमने तीन शिक्षण बिंदु लिए थे, उनमें तीसरा शिक्षण बिंदु आता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिए। विकासात्मक प्रश्न में हो जाएगा हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के नाम बताइए। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। संभव, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर निरुत्तर या संशयात्मक हो जाएगा। छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन में हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ABC त्रिभुज बनाओ, इसकी तीनों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा एक भुजा असमान। तो यहाँ पर वह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो यानी कि एक जैसी माप की न हो, तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये यहाँ पर श्याम प्रसार में हम लिखेंगे ये तीनों चित्र बनाकर। और यहाँ पर छात्राध्यापक कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। आ जाते हैं हमारे बोध प्रश्न। समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान होती हैं? तीन भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान होती हैं? दो। यहाँ पर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जो भी हमने तीनों शिक्षण बिंदु में पढ़ाया उसमें से हमें पांच क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो यहाँ पर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो यहाँ पर हम चार ऑप्शन दे देंगे, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, वर्ग। और यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360, 180, 270, 90। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? समकोण त्रिभुज को परिभाषित करते हुए विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे पाँच। फिर आता है हमारे पास गृह कार्य। गृह कार्य में हम लिखेंगे त्रिभुज को कोणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हमने दैनिक पाठ योजना चार के बारे में पढ़ा। तो इसी प्रकार की और अन्य पाठ योजनाएं हम पूरी कंप्लीट डायरी आपको पूरी करके देंगे। मैथ विषय की, साइंस विषय की, इत्यादि सभी विषयों की हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट देखिए। आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित देख सकते हैं। गणित के आपको 20 के 20 लेसन आपको कंप्लीट मिलेंगे वहाँ पर। तो आप इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।